लेकिन नालंदा के किसानों ने न सिर्फ बिहार को राष्ट्रीय गौरव दिलाया बल्कि विश्व रिकॉर्ड बनाकर दुनिया की आंखें खोल दी है। मंगलवार को राष्ट्रपति ने बिहार को जो कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया है उसमें नालंदा के किसानों का एक बड़ा योगदान है। कतरी सराय प्रखंड के दरवेशपुरा के किसानों ने प्रति हेक्टेयर 224 क्विंटल धान उपजाकर नया इतिहास रचा है। नालंदा का एक छोटा सा गांव है दरवेशपुरा। कतरी सराय प्रखंड का ये गांव आज न केवल देश के नक्शे पर नए ढंग से परिभाषित हो रहा है बल्कि कृषि विश्व के मानचित्र पर भी चमक रहा है। यही वो गांव है जिसने प्रति हेक्टेयर 224 क्विंटल धान उपजाकर बिहार को राष्ट्रीय कर्मण अवार्ड से सम्मानित करवाया है। किसान इसका श्रेय कृषि सलाहकारों, वैज्ञानिकों और उनकी नई श्री विधि को देते हैं। धान जो रोपे तो उसमें हमको लगा कि बिना खाद दिए हुए खेत माने पौधा उमता रहा है और इस तरह से उपज काफी मात्रा में हुआ। बिहार इस बार कुछ कर दिखाएगा इसका अंदाजा पहले ही हो गया था और राज्य के मुख्यमंत्री ने गांव का दौरा करके जिन किसानों को सम्मानित किया था उनमें कर्मण पुरस्कार पाने वाले किसान भी शामिल थे। खुद जिलाधिकारी ने इस धान उत्पादन को एक नया इतिहास बताया था। लेकिन इस साल का जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड तोड़ इनको उत्पादन मिला है श्री विधि से। श्री विधि के अलावा जिन लोगों ने दूसरी खेती की थी उसके कंपैरिजन में उत्पादन 1.5 से 2 गुना है और ये पहली बार हुआ है नालंदा के इतिहास में। बहरहाल नई तकनीक और कठिन परिश्रम का फल मीठा होता है इसका सबूत है बिहार को मिलने वाला इस वर्ष का कर्मण पुरस्कार जिसने बिहार के किसानों को आकाश पर पहुंचा दिया है। कुमार सौरभ, सहारा समय, नालंदा।